वो अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से खा रहा है, अच्छे से नींद ले रहा है, खेलने भी जा रहा है तो कितने देर खेल रहा है, और शाम को जो कक्षा चलती है वो कैसे वो अटेंड कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं सर से और कुछ जानकारी लेते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी मिलती है और बच्चा कैसे यहाँ पे पढ़ता है। जी सर, अपना नाम बताइए। आलोक पांडे नाम है मेरा। आप कितने साल से हैं सर यहाँ पे? 11 साल से मैं यहाँ पे हूँ। 11 साल से आप यहाँ हॉस्टल इंचार्ज हैं? हाँ, 11 साल से मैं हॉस्टल इंचार्ज पद पर ही कार्यरत हूँ। तो सर, बहुत सारे बच्चे आपके सामने आए और चले? हाँ, बहुत सारे बच्चे हमारे सामने आए, बहुत सारे गए, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी पोजीशन रैंक पे अभी जॉब कर रहे हैं। जी जी। सरकारी जॉब उनको मिली है। जी। तो इस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस रहा, लगभग काफ़ी बच्चे यहाँ से जो भी पढ़ते हैं जी वो अच्छी जॉब पे हैं। तो सर, ये बताइए, जैसे कोई बच्चा जो है वो डायरेक्ट ऐसे स्कूल में डे स्कूल में एडमिशन लेता है, और एक बच्चा है वो आवासीय और क्या कहते हैं हॉस्टल में रहता है, तो उन बच्चों में आपको क्या डिफरेंस है? अब डे बच्चों का है कि वो अपना आए, 7 पीरियड अपना क्लास अटेंड किए, उसके बाद चले गए। हॉस्टल बच्चों में है कि 24 घंटा उनका इंक्लूड हॉस्टल का हो जाता है, वो 7 पीरियड वो तो लेते ही हैं क्लास का, लेकिन उसके बाद उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं सुबह से उठने से लेकर के और शाम के, और नाइट क्लास जो हमारा मेन परफॉर्मेंस होता है हॉस्टल का, वो नाइट क्लास पे परफॉर्मेंस जो कि नीट IIT NDA वगैरह का, ये सब नाइट क्लास की फैसिलिटी प्लस पॉइंट रहती है हॉस्टल की। अच्छा। तो सर, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे जो बच्चा सिर्फ डे स्कूल ले रहा है तो वो सिर्फ 7 घंटे 7 क्लासों में उसका कवर हो जा रहा है, लेकिन जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है वो ज़्यादा डेडिकेटेड हो जा रहा है, अपना काम भी वो सारा बिल्कुल, क्योंकि उनके उठने का घर में है कि पेरेंट्स उनको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं बच्चे गाँव में पड़ोस के बच्चों के साथ मिक्सअप हो गए, वो सही लाइन पर नहीं, यहाँ पर एक उनका एक नेचुरल वो रहता है, उनके सुबह उठने के 4:30 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक का एक टाइम टू टाइम निर्धारित होता है कि इनको इतने बजे उठना है, इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे इनको वेतन उनका एक होता है, और उनको कोचिंग पढ़ाने वाले बच्चों को है कि वो कोचिंग पढ़ते हैं ये करते हैं, उसको सही रिस्पांस उनको नहीं मिलता। हॉस्टल के बच्चों को है कि ये 6th क्लास से इनकी तैयारी कराना चालू कर दी जाती है, नीट है, IIT है, JEE है, NDA है, जो कि नाइट क्लास इनकी हॉस्टल के बच्चों की 6 बजे से 9 बजे तक प्रॉपर चलती है। अच्छा, डेली नाइट क्लास चलती है? परमानेंट डेली 7 को 7 दिन शाम को 6 से 9 के बीच में ये इनके
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्लास चलती है। ये नाइट नीट ये सब कह रहे तो जो टीचर्स इनको पढ़ाते हैं डे में वही टीचर्स नाइट में हॉस्टल के बच्चों को प्रोफेशनल आ करके वो पढ़ाते हैं। एक पीरियड एक घंटे का बराबर रेगुलर चलता है, अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग रूम में बैठ के ही बोर्ड पे पढ़ाते हैं। अच्छा सर ये बताइए मुझे कि कितने बजे सुबह बच्चे उठ जाते हैं? सुबह बच्चों को उठाया जाता है 4:30 बजे। 4:30 बजे उठाया जाता है और ये आपकी जिम्मेदारी रहती है कि हाँ हर एक बच्चा अपना बिस्कट छोड़े? बिल्कुल, हम जैसे ही सुबह उठते हैं उसके बाद फिर बच्चों को विसिल बजाते हैं बरामदे में, तो रूम बाई रूम बच्चे निकल करके अपना फ्रेश होने चले जाते हैं। उनकी एक्टिविटी जो रहती है पहला हो वो फ्रेश होने जाएंगे, उसके बाद ब्रश मंजन करेंगे। अच्छा अच्छा, उसके बाद उनकी दूसरी रहती है टी बेटी जो हम लोग निर्धारित किए हैं कि उनको 5 बजे बेटी मिलना है, तो 5 बजे बेटी ही कराया जाता है उनको। जी जी, बेटी हो जाता है सर, उसके बाद उनका स्कूल वो उसके बाद उनके ये होता है एक्सरसाइज एक्टिविटी। अच्छा, वो 5 बजे से 6:30 के बीच का उनका 1.5 घंटे का टाइम रनिंग है, एक्सरसाइज है, उसके बाद सूर्य नमस्कार और योगा। ये 3 चीज़ें बच्चों को ग्राउंड पे 1.5 घंटे का टाइम उनका वर्कआउट का होता है, जो मॉर्निंग में 7 के 7 दिन हम कराते हैं। मतलब ये समझ में आ रहा है कि बच्चा पढ़ तो रहा ही है, साथ में उसका हेल्थ जो स्वास्थ्य जो बहुत ज़रूरी है उसका ख्याल भी हॉस्टल में रखा जाता है। जो आमूमन देखा जाता है कि जब बच्चा घर पर रह कर पढ़ाई कर रहा होता है तो माता पिता इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि माता पिता का मोह, माता पिता का बच्चे से प्यार जो होता है वो बच्चे को उठाने भी नहीं देता। लेकिन सर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कार्य रहता है कि हाँ बच्चा 4:30 बजे उठ जाए और उसको 5 बजे चाय मिल जाए, उसके बाद वो अपने स्वास्थ्य के लिए भी ट्रेनिंग पे जाए, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उसका दिमाग भी अच्छा रहेगा। तो सर और कुछ नहीं होते उसके बाद 6:30 बजे बच्चे ऊपर आएंगे, अपना जाएंगे 10 मिनट रेस्ट करने के बाद तुरंत अपना नहाने के लिए निकलेंगे। 7 से 7:15 तक जो उनका आधा घंटा से मिनिमम 45 मिनट का टाइम होता है उसमें वो बच्चे सब नहा करके और अपने रूम में आकर के आ जाएंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे। उसके बाद उनका 7:15 से लेकर के 8:15 तक का उनका 1 घंटे टाइम सेल्फ स्टडी का रहता है, जो प्रिपरेशन में होता है, जो मॉर्निंग स्टडी होती है वो उनका 1 घंटे टाइम रहता है। तो बिल्कुल ही ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चा जब टीन एज में बढ़ रहा होता है और जब वो क्या कहते हैं गलत संगति पकड़ लेता है तो उसको कई सारी गलत आदतें लग जाती हैं जो हॉस्टल के बच्चे को नहीं लग पाती, क्योंकि उसकी संगति जो है सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों से ही रह पाती है, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है कि बच्चा बाहर नहीं जाएगा। तो बिल्कुल ही जितनी भी गलत हरकतें हैं, धूम्रपान है और जितना भी कुसंगति का असर जो होता है वो आपका आवासीय शिवराम सिंह इंटर कॉलेज में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि पूरा ही कंट्रोल जो है वो बच्चे के ऊपर हॉस्टल की तरफ से रखा जाता है। गार्जियन का प्लस पॉइंट ये भी रहता है, कई बच्चे इस तरह के बैड एक्टिविटी वाले जो कि यहाँ पर आ करके उनको ऐसा लगा कि हमको बड़ा वो है, कुछ धूम्रपान करने वाले थे, कुछ पान गुटखा मोबाइल के नशे में वो थे, तो इस तरह के बच्चों को हमने जिस तरह से हैंडल करके उनको सही अच्छे मार्क्स दिला करके और अच्छी पोजीशन रैंक दिला करके उनको यहाँ पास करके भेजा, तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे कि हम तो ये उम्मीद ही नहीं किए थे कि हमारा बच्चा इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके आएगा। जी जी। और कॉलेज का उन्होंने धन्यवाद भी किया कि हमारा बच्चा इतना अच्छा पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स लेके आया, नहीं हम तो इस तरह बच्चे को खो चुके थे जिस तरह के संगत में बाहर के बच्चों फंस गया था। तो यही एक सेफ एंड सिक्योर रहता है हॉस्टल के बच्चों को कि वो बाहर के बच्चों से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, और जो भी इस तरह की एक्टिविटी बुरी एक्टिविटी बच्चों के अंदर आ जाती है तो यहाँ पे आकर के, क्योंकि उनका एक टाइमिंग एक सेट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग 24 घंटा गाइडिंग टीचरों के हिसाब से रहती है, हॉस्टल इंचार्ज गाइड करता है, प्रिंसिपल सर उसको गाइड करते हैं, 24 घंटा बात करते हैं, तो बच्चों की कोई बैड एक्टिविटी उनके अंदर आने की कोई चांस ही नहीं रहता। सही बात है पूरा का पूरा गाइडेंस रहता है, एक एक मिनट उनका बिजी रहता है, 365 दिन उनकी केयर की जाती है। तो सर ये मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से जिले से बच्चा आता है? जब से हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं 11 साल से, तब से यहाँ पर हमने देखा है अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, गोंडा, अयोध्या और श्रावस्ती, लखनऊ के बच्चे, कानपुर के बच्चे और तमाम जिले के बच्चे आए हैं अच्छी पोस्ट पे, अच्छे रैंक पे, आज भी जॉब कर रहे हैं और आते भी हैं हमसे मिलने। तो ये सब चीजें खुशी होती है कि हमारे पढ़े हुए बच्चे, हमारे सानिध्य में बच्चे रह करके और अच्छी रैंक, अच्छी पोजीशन में है, तो कॉलेज का भी नाम अच्छा होता, हमें भी अंतर खुशी होती है कि हमारे उसमें ऐसे बच्चे
पोजीशन पे। जब एक ट्रेनर के साथ एक बच्चा रहता है जो खुद ही बहुत ही ज्यादा ट्रेंड रहता है, क्वालिफाइड रहता है, तो जैसी संगति में रहता है बच्चा वैसा ही बन जाता है। तो यहाँ सब पढ़ने वाले ही रहते हैं, तो बच्चा कोई भी हो वो पढ़ने वाला ही बन जाता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि सब एक दूसरे को देखकर ही रंग बदलते हैं। तो जब कंपटीशन की बात आती है कि बगल में बैठ के बच्चा पढ़ रहा है, तो दूसरा बच्चा भी बगल में बैठ के पढ़ेगा ही, क्योंकि मोबाइल यहाँ अलाउड नहीं है। और नॉर्मली आजकल का समाज ऐसा हो गया है कि आप बच्चों को देखेगा तो दिन भर सर मोबाइल में ही लगे रहते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे वो चीज तो नहीं होने वाली, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। और कोई बैड एक्टिविटी यहाँ पे होने ही नहीं दी जाती है। बच्चों का हर एक मिनट इस तरह से टाइमिंग फिट कर दिया गया कि उनको बाहर की दुनिया का, बाहर के उससे कोई इनका वो नहीं होता। और खास बात होती है कि हॉस्टल किसी उसमें बंद नहीं होता है। केवल तीन फेस्टिवल होते हैं, होली, दीपावली और दशहरा, जिनमें मिनिमम तीन से चार दिन केवल बंद होता है हॉस्टल, बाकी पूरा समय हॉस्टल चालू रहता है, छुट्टी हो, संडे हो, कुछ भी हो। अच्छा सर, फेवरेट चीज मुझे ये बताइए, जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है सबका, कि सर खाने में क्या देते हैं आप? खाने का एक मेन्यू कार्ड होता है, वो ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर का, डिनर से शाम का नाश्ता का और रात का डिनर का, वह पर डे का एक मेन्यू कार्डिंग होता है जो, और सप्ताह का एक संडे इंक्लूड होता है। संडे फेवरेट होता है, उस दिन सबसे अच्छा पनीर, गुलाब जामुन, गुलाब चार पंखे और एक एसी लगी होगी हर कमरे में, चार पंखे और एक एसी हर कमरे में लगी होगी। इसी तरह के बेड होंगे, गद्दे मिलेंगे, बेड मिलेगा, सामान रखने के लिए दो बॉक्स मिलेंगे, एक में बच्चा अपना बुक्स कॉपी रख सकता है, एक में पर्सनल। सुविधा भी बच्चे को आपके दी जाती है,
तो यही वो रूम है जहाँ पे बच्चा पढ़ता है। आपको डाइनिंग हॉल दिखाया गया जहाँ पे बच्चा खाता है, और आपको अभी हम लोग नीचे ले चलेंगे ग्राउंड भी दिखाएंगे जहाँ बच्चा खेलता है, और प्लस जो टीचर्स हैं उनके वीडियोज आप देख सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं कि कौन कौन से टीचर उसको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, बायो कौन पढ़ाएगा, मैथ कौन पढ़ाएगा। तो बिल्कुल ही निश्चिंत होकर आप आवासीय शिवराम सिंह इंटर कॉलेज के आवासीय स्कूल में अपने बच्चे को भेज सकते हैं और उसके भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं कि यहाँ जो आपका बच्चा है वो गलत संगत में नहीं पड़ेगा, वो पढ़ाई पर ध्यान देगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो नई नई जगह घूमने जाएगा और बिल्कुल ही सफलता के साथ इस स्कूल से बाहर निकलेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और मिलते हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर से और जानते हैं कि हाँ वे क्या बताते हैं अपने हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। तो आइए चलते हैं, हम लोग मिलते हैं प्रिंसिपल से।